दोस्तों, आपको ज्योति प्राची ब्लॉग में स्वागत है। आज हम आपको दिखाने वाले हैं, आज हमारे यहाँ एक जन बीही बेचने वाली आई हैं, तो बैठी हुई हैं, तो मैं जा रही हूँ देखने कि बीही कितने के खरीदती हैं, मतलब देती हैं, तो हम खरीदेंगे और लोग को लेके आएंगे कि और उनसे खरीदे, क्यों बीही बेच रही हैं, क्या कारण है। तो मैं आज वहाँ आपको दिखाती हूँ कि आज बीही बेचने वाली हमारे यहाँ बैठी हैं एक जन, मैं देखने जा रही हूँ कि क्या कर रही हैं। तो ये है बीही बेचने वाली अम्मा, बैठी हुई हैं, उनके दोनों बच्चे हैं, तो आपको बताएंगी कि काहे खितिर बीही बेचे, काहे बेच रही हैं अम्मा जी बीही? आप बेच रहे हैं, थोड़ा लड़का जुकाम सर्दी से परेशान है, इसलिए बेच नहीं, क्या करें, मजबूरी है। अब देख लीजिए आपके क्या हालत है, ये ठंडी में सर्दी जुकाम हो गई है, तो इसीलिए बेचारी क्या करे, तो इसीलिए बीही रख के बेच रही हैं। वो आपको दिख रहा होगा, दोनों उनके बच्चे बैठे हैं, तो काफ़ी लोग हैं खड़े हुए, मैं उनसे पूछती हूँ कि आप लोग बीही लोगे, तो तुम लोग बीही लोगे? हाँ, तो चलो ले लो बीही, यहाँ अम्मा बेच रही हैं, तो जाओ। तो भी अरे अम्मा कितने की बीही बेचा? अरे 20 रुपये कहे लल्ला के। तो ये बच्चा 20 रुपए की बीही अम्मा से लिया, और आपको दिखा रहे हैं कि ये 20 रुपए ये बच्चा दिया है, तो इनकी 20 रुपए की बिक्री हो गई। अब तुम बीही ले जाके क्या करोगे? घर ले जाएंगे, खाएंगे। अच्छा, खाओगे तो होगी, इसकी चटनी भी बना लेना, ठीक है ना? तो चलो और भी देखते हैं, काफ़ी लोग हैं, तो उनसे भी देखते हैं कि कौन कौन लेता है। तुम भी लोगे बीही? पैसे लिए हो? हैं, लिए हो? चलो तुम भी ले लो, हाँ अम्मा एक बैठी है बीही बेच रही हैं। तो ये बच्चा है, अब ये भी बीही लेगा, तो अम्मा कितने के 10 रुपये का है, ले लो। तो ये बच्चा बोल रहा है कि अम्मा कितने की बीही बेच रही हैं, तो बता रही हैं ये कि 10 रुपये की, तो तुम दे दो 10 रुपये, ले लो, ले आओ, इस पन्नी उन्हें ली हो, ले आओ, बाल्टी में दे देते हैं। तो अब क्या करें, अम्मा के पास इतनी ज़्यादा गरीबी है कि मतलब पन्नी उन्नी है नहीं, तो बेचारे बाल्टी हमारे यहाँ रखी थी तो उसी में सब लोग को बीही दे रही हैं। तो फिलहाल देख लीजिए बीही बिक गई अम्मा की, बची थोड़ी सी, और देखती हूँ कुछ ग्राहक ग्राहक ढूंढ के लाती हूँ कहीं से, और कोई है क्या? क्यों, हेलो, कहाँ गई थी अपना? बीही ले। तो चला हम बताए थे, बढ़िया सुंदर है, देन ठेक गने अम्मा जी हैं, तो वो बेचती हैं बीही, तो पूछ ले कितने के दे रही हैं अम्मा, कितने के बीही आए? अरे के 15 रुपए के हैं। अच्छा, दे दे, हम मुंह करे बीही ले जा। हाँ, तो ये देख लीजिए आज अम्मा की बीही सब बिक गई। हम मुंह को बाल्टी में ले जा। ला ला, तो पानी है ये नहीं, तो तो अम्मा बीही बेच लिए हैं आज, तो सर्दी जुकाम है, तो बच्चों को दवाई कराएंगे, पैसा नहीं, बीही बेच लिए, भला पैसा इतना हो गया, इतना 20-25 रुपए हो गए, तो ले जाएंगे डॉक्टर को देंगे, फिर दवाई लाएंगे, हो गया। हाँ, तो देख लीजिए आज इन्होंने बीही बेचा अपने बच्चों के लिए, और कुछ पैसे पाई हैं, तो क्या करेंगी, अपने बच्चों की दवाई करवाएंगी, इसी कि सर्दी जुकाम हो गई है ठंडी की वजह से, तो आज की महंगाई में इतना इंसान वो हो गया है कि कितना भी काम कर लो तो पैसे की कमी ही रहती है, तो काम कुछ भी हो ईमानदारी से करना चाहिए, कोई चोरी तो है नहीं, तो अच्छी बात है। इनके घर में बीही का पेड़ लगा हुआ है, तो ये बीही सोची कि बेचूंगी तो कुछ पैसे आ जाएंगे, तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, ऐसे सभी लोग सोचें और करें, तो अच्छा लगा ना अम्मा आपको? हाँ। तो हाँ दोस्तों, आज हम सब लोग मिलके एक वीडियो बनाई बीही बेचने का, और आपको अच्छा लगा हो ज़रा सा भी वीडियो में हमारे बीही बेचने का तरीका या ख़रीदने का जो भी जैसे भी, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल को नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज की वीडियो यहीं तक ब्लॉग करते हैं, और हमारे खास करी चुन्नू मुन्नू बच्चे ग्राहकों के लिए, ये कुछ सर्दी जुकाम वाले बच्चों के लिए, और अम्मा बूढ़ी अम्मा के लिए भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज की वीडियो यहीं एंड करते हैं, अगर वीडियो में थोड़ी सी भी आप लोग को अच्छा लगा हो, या एक छोटी सी ये बूढ़िया अम्मा के लिए भी, तो लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज की वीडियो यहीं तक, सब लोग बाय बोल दो, बाय तेज़ी बोलो, बाय बाय।